खबर ओरछा से है, जहां पर पुलिस का एक बड़ा कारनामा देखने को मिला है। ड्यूटी पर तैनात फौजी का शांति भंग में थाना इंस्पेक्टर ने चालान कर दिया। कहीं एक और फौजी ना बन जाए पान सिंह तोमर। दरअसल हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ओरछा में एक फौजी दुश्मनों से देश की सीमा की रक्षा करता है, तो वहीं अपनी पत्नी और बच्चों की रक्षा भी करता है। प्रशासन ने उसे न्याय नहीं दिया और अपनी पत्नी बच्चों की वह कैसे रक्षा करेगा। पान सिंह तोमर तो आपने देखी होगी। इस फिल्म में पान सिंह तोमर का नाम फौजी जमीन के विवाद को लेकर पुलिस से न्याय न मिलने पर डकैत बन जाता है। कुछ ऐसा ही मामला ओरछा थाना क्षेत्र के ग्राम बल्लमपुर में देखने को मिला है। यहाँ के निवासी राजकरण फौजी ने वीडियो वायरल कर जानकारी दी कि उसने 1000 वर्ग फुट का एक प्लॉट अपनी पत्नी के नाम खरीदा था। इस प्लॉट पर ग्रामवासी जगदीश पक्ष कब्जा कर रहा है, ना तो वह नाप करवा रहे हैं और ना ही नाप होने दे रहे हैं। इसी को लेकर आरोपियों ने उनकी पत्नी के साथ मारपीट कर उनका अपमान किया, लेकिन ओरछा पुलिस ने आरोपियों पर कोई कार्रवाई करने के बजाय 27-28 घंटे उसे ही थाने में बंद रखा, जहाँ पर वह 4 बार जिलाधिकारी से 3 बार पुलिस अधीक्षक से मामले के निस्तारण को लेकर मिल चुका है, लेकिन हर बार पुलिस को ही मामला भेज दिया जाता है और ओरछा थाना अध्यक्ष उसे ही दोषी ठहरा देते हैं। वहीं पीड़ित फौजी राजकरण का कहना है कि पिछले वर्ष दिसंबर में आरोपियों ने उसकी मां के साथ अभद्रता की। इसकी शिकायत मैंने पोर्टल पर की तो ओरछा पुलिस ने उसका भी शांति भंग में चालान कर दिया, जबकि वह घटना के समय ड्यूटी पर सीमा पर तैनात था। फिर उसका कहना है कि ओरछा पुलिस ने आरोपियों के साथ मिली भगत कर ली और उसे न्याय नहीं मिल रहा। जैन सर, मैं नायक राजकरण सिंह भारतीय सेना में कार्यरत हूँ, गाँव बल्लमपुर, थाना ओरछा, जिला मैनपुरी। 29 नवंबर 2023 को हमने गांव बल्लमपुर में ही कुमार सिंह सुनाब दलवीर सिंह से 15x90 का उनका जमीन लिखवाया। उनके दूसरे भाई जगदीश हैं सुनाब दलवीर सिंह, जिनका 11 बजे खेत है। मैं दीवार लगा रहा, मेरी दीवार नहीं लगाने दी, वो कह रहे मेरा कम है। मैं खुद अपने लेख पर लाया उनका नापने के लिए 11 बजे देने के लिए, लेकिन महाराज सिंह इन लोगों ने अपने नहीं दिया। उसके बाद SI अशोक यादव ने फैसला कराने के लिए 20,000 रुपये मेरे से लिए, मैंने दिए, जिसकी व्हाट्सएप पे चैटिंग मेरे पास है। उसने फैसला नहीं करा पाया, हमने रुपए मांगे अपने वापस। तो 29 दिसंबर 2023 को मेरे पे गलत 116 की कार्रवाई कर दी, जबकि मैं 10 दिसंबर को अपनी ड्यूटी पहुंच गया था आर्मी में। उसके बाद उस जगदीश ने केस कोर्ट में केस डाल दिया, हमारा कोर्ट में केस चल रहा था नपने के लिए। 9 मार्च 2024 को रमेश उर्फ सुद्दी सनोप शिवराज सिंह, महाराज सिंह सनोप सियाराम सिंह, भूपेंद्र सनोप महाराज सिंह, शीलेंद्र सनोप महाराज सिंह, जगदीश सनोप दलवीर सिंह, मुनीश सनोप हरमान सिंह, ये लोग जबरदस्ती गुंडागर्दी करके मेड़ काटने लगे आके। मेरी मिसेज, मैं और मेरी मदर, मेरे फादर आर्मी में ट्रांसफर हो गए, रोका जाके सुद्दी उर्फ रमेश सनोप शिवराज सिंह, शीलेंद्र सनोप महाराज सिंह दारू नशे में थे। शीलेंद्र सनोप महाराज सिंह 2008 से 306 का दोषी है, जमानत बाहर है। इन्होंने सब ने मिलकर मुझे, मेरी मिसेज, मेरी मदर को पीटा खेत में डाल के, मेरी मिसेज को खेत में घसीटा गया, कपड़े फट गए, ब्लाउज वगैरह, जिसको लेके मैं थाना ओछा गया इंस्पेक्टर अनुरोध प्रताप से, तो मेरी रिपोर्ट ना लिख के मुझे उठा के अंदर हवालात में डाल दिया। 28 घंटे मुझे बंद रखा और अपने ऑफिस में ले जाके मुझसे बदतमीजी की गई और दबाव बनाया गया फैसला लिखाने के लिए। मुझे धमकी दी गई, अगर तुम फैसला नहीं लिखोगे तो तुम्हारे खिलाफ़ भी छेड़खानी का केस लगाया जाएगा। दबाव बना के मुझे फैसला लिखाया गया। मैं SP से 3 बार मिला, DM से दो बार मिला, 3 बार हर जगह मिल लिया। मेरी सब CO से मिल के आई, कहीं मेरी सुनवाई नहीं हुई। वो लोग कागज़ थाने भेज देते हैं और थाना वाला मुझे झूठा साबित करके ऊपर रिपोर्ट पर भेज देते हैं। जगदीश का शुरू से लेके मैं अभी तक उनका 11 बजे खेत लिखा हुआ है, मेरा 15x90 लिखा हुआ है। जगदीश अपना लेख पाल ला के नाप लें, उनका 11 बजे जहाँ तक हो रहा है, मेरे अंदर आ रहा था, मैं देने के लिए तैयार हूँ। 30-40 साल पहले दोनों भाइयों को बंटवारा हो चुका था, तब तक जगदीश को कोई प्रॉब्लम नहीं थी। मैंने लिखवाया तब जगदीश को प्रॉब्लम होने लगी और मेन प्रॉब्लम हो रही महाराज सिंह को, जो महाराज सिंह नहीं चाह रहे हैं कि मेरा गेट वहाँ पे लगे। जगदीश लाएं, अपना नाप लें, और मैं आर्मी पर्सन हूँ, आर्मी एक्ट 1950 में फौजी आदमी को 2 घंटे से ज़्यादा हवालात में नहीं रख सकती पुलिस, और मुझे 28 घंटे बंद रखा गया हवालात में 9 मार्च को। अभी तक पुलिस मुझे 3 बार हवालात में रख चुकी है, 1 दिसंबर 2023 को, 2 दिसंबर 2023 को और 9 मार्च 2024 को। जमीन लिया था तो उसका मैंने कोर्ट में दोनों पक्षों का कोर्ट में केस चल रहा था सर, तो मैं कोर्ट का फैसला मंजूर था मुझे सर, तो फिर इस कोर्ट को लेके
मंजूर था, मैं मंजूर, जो कोर्ट फैसला देती उस पर मैं मंजूर था, मैं मानती जो कोर्ट करती, मैं उसके साथ जो कोर्ट करती उसी पे मैं मंजूर था। ये किल्लन का खेत है, जगदीश का 11 विषय है ये सर। वो आके नपवा लें अपना खेत, और जो मेरा हो, फ्रेंड पे मेरा 15 है, 15x90 है, वो मेरा मुझे दिलवाया जाए। तो कहने का मतलब जो राजस्व की कीमाएं खेत को आपको नापे, जितनी आपको उसमें आप राजी हैं। जी सर, लेकिन उसके बाद ये भी पता चला था कि पता हुआ जिस तरीके से वीडियो में कहा गया है कि पुलिस ने मुझे बंद कर रखा था या कुछ ऐसा झगड़ा हुआ जी था। सर, हमारे हमारे यहाँ आके जबरदस्ती गुंडागर्दी से खेत जोता, आके मेड़ जोत दिया सर। इसमें थे कुमार, वो क्या नाम, जगदीश, मारा सिंह, और भूपेंद्र, शीलेंद्र, मुनीस और सुद्दी, 5-6 लोग थे ये। आपके पति को कितने घंटे जेल में? 27 से 28 घंटे, जब 27 से 28 घंटे लगभग रखा थाने में। वहीं पर इस हफ्ते से कोठा जसाना थाने चार से बात हुई है कि नहीं वो एक केस में वारंटेड है, उनको चप्पा कदिया पता है ना कि आप? जी सर, वो मेरा पुराना था, फौजी ने ऑनलाइन केस डाला था ये कि हमारे ऊपर मुझे जेल में बंद, वो हवालात में बंद करके रखा है, तो इन लोगों ने हमारा पुराना केस ओपन किया है सर। पुराना जो मैंने मैनपुरी में प्लॉट लिया था तो उसका चेक बाउंस हो गया था सर, तो मेरा और उनका फैसला हो गया सर। हमने जी सर, मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है, प्रूफ है, मेरे पास सारा प्रूफ है सर। मेरा फैसला हो गया, तो ये लोग वो ओपन कर रहे हैं क्योंकि फौजी ने इन लोगों के ऊपर से कंप्लेंट आ रही है ऑनलाइन, इसलिए। तो क्या उनके फौजी के साथ कोई यहाँ पर हाथापाई वगैरह? सर, हम लोगों को, मेरी सासू माँ थी, हम थे, मेरे हस्बैंड थे, और मेरे घर पे कोई था नहीं, तो सर तीनों लोगों को मारा है और मेरे कपड़े अपड़े फाड़ दिए सर। मैं, हम लोग फौजी और हम दोनों लोग थाना गया, तो वहाँ मेरी सुनवाई नहीं हुई, फौजी को हवालात में डाल दिया उठा के सर। 27 से 28 घंटा उन पर जोर बनाया गया कि फैसला करो, करना जबरदस्ती करवाया सर पुलिस में, इंस्पेक्टर साहब ने इंस्पेक्टर ने कहा भी फैसला करो, फैसला करना होगा। एक वीडियो में बताया जा रहा है कि जो मुकदमा लगाया गया है तब खुदी यहाँ नहीं थे, ड्यूटी पे थे सर। कब ड्यूटी पे थे? ड्यूटी पे थे ये। आपको कैसे पता चला मुकदमा मेरे ऊपर हो गया? सर, मुझे बताया गया बाद में कि फौजी के ऊपर, तो बाद में दोनों आए थे इन घर पे सामान लेके, तो बता के गए, बताया था इन पे हो गया है केस। अच्छा, जो आपके जो 28 घंटे बंद रखा वाला था, जी सर, उसके बाद दबाव, जैसे बता रही है आप, दबाव में फैसला हो गया जी सर, तो उसके बाद वो अपनी ड्यूटी चले गए? नहीं सर, एक बात और नोटिस करिए, जब फौजी को अंदर कर लिया गया हवालात में, तो मैं मिलने गई फौजी से, तो मैंने, वो इंस्पेक्टर साहब बोला कहाँ जा रही है, ऐसे बदतमीजी बोला मुझे कि कहाँ जा रही है, तो मैंने कहा अपने हस्बैंड से मिलने जा रही हूँ, तो मुझे उल्टा सीधा बोल के मुझे वापस कर दिया उन्होंने, वापस कर दिया, मुझे हस्बैंड के पास नहीं जाने दिया, मिलने नहीं दिया। तो समझौता हो गया, समझौता होने के बाद अपने घर पर चले आए, घर पर चले, नौकरी पर चले गए, नौकरी पर चले गए, तब मुकदमा, उसके बाद मेरे हस्बैंड के ऊपर मुकदमा लिखवा दिया, नहीं थे, किसी का मर्डर नहीं किया मेरे हस्बैंड ने, मेरा घर पूरा चेक करवाया पुलिस द्वारा, पुलिस खुद आई, लेडीज पुलिस आनी थी, जब मेरा घर चेक करना था, मैं लेडीज थी तो लेडीज आनी चाहिए, लेडीज थी, और लेडीज थी तो लेडीज पुलिस बुला के सर घर चेक करवाती, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी सर। जेंट्सों ने मेरा पूरा बिस्तर सब उठा के सर, उसमें क्या रखा था मेरे बिस्तर में, ये भाई अगर थे उनका घर दिखवाया पुलिस ने। और सर मैं ये भी कहना चाहती हूँ, जब हम लोगों ने मना करी तो हम लोगों पर उल्टे सीधे बोले। आपको न्याय नहीं मिला तो क्या करेंगे आप? न्याय सर, मुझे न्याय मिलना चाहिए, और मैं 2 महीने से भाग भाग के पागल हो रही हैं, कहीं कोर्ट में जा रही हैं, कहीं डीएम के पास जा रही हूँ सर, कहीं कहीं जा रही हूँ। और सर ये शीलेंद्र जो है जी, वो 2008 का 376 का मुंजिम है, वो जमानत पर है अभी, और सर वो गुंडागर्दी करता है, गलत सलत बोलता है सर, उसने भी मेरा ब्लाउज ब्लाउज फाड़े, कपड़े कपड़े फाड़ा है, मुझे मारा है सर। सर अब हम मीडिया वाले, आप लोगों को बता रही हूँ सर, मैं आप लोगों को बता रही हूँ, जब मेरे हस्बैंड ने ऑनलाइन कंप्लेंट किया, तब तो मेरा ये पुराना केस इन लोगों ने निकाला, उसको निकाल दिया, जो हमारा सॉल्व हो गया उसको निकाल दिया। और सर अभी हम ये मीडिया पे बात बता रही हैं आप लोगों को सर, इसके बाद अगर कुछ मेरे घर वालों को या मेरे बच्चों को
या मेरे हस्बैंड को या मेरे किसी परिवार में कुछ होगा तो उसके जिम्मेदार ओंछा पुलिस होगी सर। ओंछा पुलिस होगी सर, उसी पे आरोप लगाएंगे सर। ना ये बताओ कि हमारे बच्चा ने कुछ बोले ना है, बच्चा आके हाथ रोक दिया कि भाई ये मैं किस लिए तोड़ रही हूँ, और तो भी मैं तो तोड़ के उनको एकदम तीन चार लड़कों ने पकड़ लिया और बिन हाथी रोपे तोड़ तोड़ पकड़ के मतलब डाल लो क्या पाँच में फौजी की कहते हो नौकरी दिलवा दी। महाराज सिंह ना कलकत्ता महाराज सिंह को ठीक है वो हमारा नाम बना दे सर। मेरा बहू के कपड़े सर, मेरा हस्बैंड ड्यूटी ऑन था तो सर मेरे हस्बैंड पर केस क्यों लगाया सर? ये मतलब कानूनी कार्रवाई की जाए, इसकी जांच होनी चाहिए सर। मेरे हस्बैंड के ऊपर क्यों लगाया? और सर ये बताओ खेत हमने लिया, पैसा दिया है सर, क्यों हमें मार पीट रहे हैं ये लोग, क्यों हमारी बेइज्जती कर रहे हैं? कानूनी कार्रवाई हो जिस तरीके से नहीं जी सर, नहीं जी सर, मैंने एक बार लेखपाल बुलाया, खुद मैंने बुलाया सर, और ये महाराज सिंह ने सर नहीं नापने दिया खेत। मैनपुरी से आमिर अली की रिपोर्ट, TV1 इंडिया।